गुजरात के हरनी मोटनाथ तालाब पर आज स्कूली बच्चों से भरी हुई एक नाव पलटी खा गई और इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। 13 बच्चे और 2 शिक्षकों के मौत की खबर सूत्रों के हवाले से इस हादसे के मद्देनजर सामने आ रही है। हालांकि अब भी गोताखोर कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को, शिक्षकों को ढूंढने की कवायद में जुटे हुए हैं। वैसे जो सटीक आंकड़ा है कि कितने बच्चे बोट में सवार थे, कितने शिक्षक थे, ये अभी तक सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन गोताखोर अब भी बच्चों और शिक्षकों को हरनी मोटनाथ लेक पर ढूंढने की कवायद में जुटे हुए हैं। वडोदरा के सांसद रंजन बेन भट्ट, मेयर विक्की बेन सोनी समेत सभी वडोदरा महानगर पालिका से जुड़े हुए पदाधिकारी इस वक्त मौके पर हैं और सभी यही आस जता रहे हैं कि मौत का जो आंकड़ा सामने आया है वो और बढ़े ना और सही सलामत किसी बच्चे या शिक्षक के बाहर आने की खबर सामने आए। काफी वक्त से गोताखोर दमकल की टीमें और NDRF की टीमें इस मशक्कत में जुटी हुई है कि अगर अब पानी में कोई भी हो तो उसे सही सलामत बाहर निकाला जा सके। हालांकि 2 से 3 घंटे बीत चुके हैं, तब NDRF की टीम भी मौके पर है और इन बच्चों को और शिक्षकों को ढूंढने की कवायद जारी है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कुछ ही देर में वडोदरा शहर पहुंचने वाले है। इस घटना के मद्देनजर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दोनों ने ही दुख जताया है और जल्द ही वो दोनों वडोदरा शहर पहुंचने वाले हैं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।